औरतों में डिप्रेशन की वजह क्या है, फीमेल्स में डिप्रेशन हमेशा मर्दों की निस्बत ज़्यादा क्यों होता है, आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरिया अशरफ, मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है फीमेल के डिप्रेशन के बारे में। फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग और सेंसिटिव माइंड होती हैं, इसलिए उनमें डिप्रेशन भी मेल की निस्बत ज़्यादा होता है। कुछ सिम्टम्स तो दोनों में कॉमन पाए जाते हैं, जैसे कि मूड का उदास होना, होपलेस फीलिंग, वर्थलेस फीलिंग्स, ये दोनों सिम्टम्स मेल और फीमेल्स में सेम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स चेंज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में भी अक्सर फीमेल्स को जो है वो डिप्रेशन हो जाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उनका दिल नहीं करता कि वो बच्चे की केयर करें। और सेकंड जो है पीरियड्स के दौरान भी अक्सर फीमेल्स को जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, उस पीरियड्स आने से पहले और बाद में भी अक्सर फीमेल्स जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सोशल स्टेटस, फीमेल्स बाज़ूकात अपना सोशल स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाती, जैसे कि वो घर का भी काम कर रही हैं और बाहर जॉब भी कर रही हैं, तो दोनों चीज़ों को हैंडल करना एक टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर घर पे काम रह रही हैं तो वो घर आसानी से मैनेज कर रही हैं, लेकिन अगर वो दोनों चीज़ों को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। अक्सर क्लाइंट्स आती हैं जो कि वर्किंग वुमेंस हैं, उनमें डिप्रेशन इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि लाइफ में बैलेंस नहीं होता, घर का बच्चों का ध्यान रखना, तो उनके लिए ये चीज़ें टफ होती हैं। इसके अलावा फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव माइंड होती हैं, कुछ चीज़ों को जो है वो ज़्यादा बॉदर करती हैं, उनका लाइफ का पैटर्न्स भी आजकल हमारा ऐसा है कि हम लोग जो है वो स्क्रीन टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, अपनी डेली एक्टिविटी में फ़िज़िकल एक्टिविटी को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते। अगर कोई फीमेल जो है वो वर्कर है तो आते ही सिर्फ उसकी यही प्रायोरिटी होगी कि मैं बाकी घर के काम ख़त्म कर लूँ और बाद में मोबाइल फ़ोन या इस तरह की एक्टिविटी कर लूँ, अगर इसकी बजाय वो बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा कथारसिस करें तो उससे भी उनके डिप्रेशन में कमी आती है। इसके अलावा हार्मोन बैलेंस के बारे में बताएं तो हार्मोन्स के इश्यूज की वजह से भी फीमेल्स में डिप्रेशन ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मेल्स। जब भी फीमेल्स में हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनमें डिप्रेशन आ जाता है। अगर वेट गेन है या वेट बहुत ज़्यादा कम है तब भी फीमेल्स में जो है वो डिप्रेशन बढ़ जाता है। इस तरह की और भी बहुत सी रीजंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर फीमेल्स में डिप्रेशन जो है उस वजह से भी हो जाता है कि शादी का ना होना या शादी के बाद प्रेगनेंसी का ना होना, इस तरह के इश्यूज़ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि डिप्रेशन की वजह बनते हैं। अगर आप भी किसी इस तरह के मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हैं और किसी भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपको किसी किस्म का कोई क्लिनिकल डिप्रेशन है और आप अपने तौर पर कर रहे हैं तो कम अज़ कम आपको क्लिनिकल डिप्रेशन से बाहर आते हुए एक साल लग जाएगा, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो आप इसी चीज़ को जो है वो 2 से 3 महीने में कवर अप कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।